राजधानी में लॉकडाउन के दौरान खाकी दागदार हो गई है। इस बार खाकी पर ही खाकी को पीटने का आरोप है। आरोप पटना के जक्कनपुर थानेदार मुकेश वर्मा पर लगा है। आरोप लगाने वाले पटना ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल हैं। इसकी न्याय होनी चाहिए ना, तो मैं कल 11 से 12 बजे के बीच में अपना रिजाइनेशन लेटर दे दूंगा। ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार गुप्ता के अनुसार मंगलवार की शाम वे अपनी मां के लिए दवाई लेने जा रहे थे। रास्ते में जक्कनपुर थानेदार अपनी पुलिस टीम के साथ लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पेट्रोलिंग पर निकले थे। इसी बीच दोनों का आमना सामना हो गया। कांस्टेबल के अनुसार उन्होंने थानेदार को बताया कि वो अपनी मां की दवा लाने जा रहे हैं, लेकिन थानेदार और उनकी पुलिस टीम को सुनने को तैयार नहीं हुई। लगातार उन पर डंडे बरसाने लगे। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाबा बनी खड़े हो, मार्केट ऐसा बाबा बना निकल रहे हो। अरमोड़िया सब काला निकाल स्टाप कर दे, देखते अपना मनी मुंह का चीज लगा निकल जाम तुरंत बाबा बने थे। बुझा कनपुर वाला जो थी कंकर बोलेगा या और लड़कियाँ और भी और कुछ बोल रही है। कांस्टेबल के अनुसार उन्हें कई टाके लगे हैं और थानेदार ने अपनी हनक दिखाते हुए उनकी इंजरी रिपोर्ट तक नहीं बनने दी। जक्कनपुर थाने की पुलिस के द्वारा सचिव महोदय एवं पेट्रोलिंग पार्टी डॉल्फिन के मोबाइल के लोग साथ में थे। हम अपनी मां का दवा लेने अजीत कुमार मित्रा का इलाज चलता है, जो कि मैं आपको बता दूं उस क्रम में मैं गया था बीपी का दवा लेने के लिए। एसएचओ महोदय सभी लोग मिलकर रोके, हमें बताया कि पुलिस स्टाफ है, उस क्रम में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लाठी डंडों से काफ़ी प्रहार किए मेरे ऊपर, मेरा सर फट गया है। जबरन जो है एक कैदी के जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता, वैसा एक पुलिस डिपार्टमेंट एक पुलिस वाले के साथ जो है व्यवहार किया है।
मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि आज लॉकडाउन का फायदा उठा करके पुलिस वाले को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस वाले जब इतना ही प्रताड़ित हो रहे हैं अपने पुलिस वाले से, तो आम पब्लिक का क्या स्थिति होगा। मेरा सर फट गया है, मेरे सीने में भी काफी दर्द है, मेरा हाथ जो है क्रैक हो गया है। मैं क्या बताऊँ अब इसमें। मैं अपना रिजाइनेशन लेटर DSP महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे सीने पे ब्लड है, और उसके बाद जबरन जो है उनके द्वारा शॉर्ट मेरा फाड़ दिया गया था। शॉर्ट चेंज करा के पुराना शॉर्ट एक पहना के भेजा गया था। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, भाई बंधु मेरा मदद करो। देखिए मेरे सर से जो ब्लड गिरा है उसका देखिए, यहाँ पे पूरा जो है ब्लड लगा हुआ है। मेरा सर फाड़ दिया था लोग। अब मैं नौकरी करना नहीं चाहता हूँ। अब रिजाइनेशन लेटर कल 11 बजे के बाद 12 बजे के आसपास DGP महोदय के समक्ष मैं प्रस्तुत होकर रिजाइन देना चाहता हूँ, इसलिए कि न्याय की बात उन्होंने नहीं करते हैं और पुलिस वाले ही कुछ न्याय के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। इसमें SHO महोदय ने जबरन जो है हमको धमका करके, सभी लोगों ने कहा कि PIR बाउंड भरो, नहीं तो 188 153 353 में आप पर FIR करके जबरन जो है पुलिस के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के क्रम में जो है आपको जेल भेज देंगे। इसकी न्याय होनी चाहिए, नहीं तो मैं कल 11 से 12 बजे के बीच में अपना रिजाइनेशन लेटर दे दूंगा। वहीं दूसरी ओर आरोपी थानेदार मुकेश वर्मा ने बताया कि आरोप गलत है। थानेदार के अनुसार जीप में बैठाने के दौरान उनकी सर पर चोट लगी थी। अब इस पूरे मामले में पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।